और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जम्मू में पुंछ के शाहपुर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया गया। सर्च ऑपरेशन में दो लाश बरामद कर ली गई है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से दो घंटे तक फायरिंग की गई थी। एलओसी के करीब गंत्रेन गांव है ये। पुंछ के एलओसी पर शाहपुर सेक्टर में आपको बता देंगे, आज सुबह तड़के जो है पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिस पर के बाद भारतीय सेना ने उस गोलीबारी शुरू की, और जिस गोलीबारी में अभी तक ये खबर आ रही है कि दो जो है घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का जो इलाका है, यही जो सामने जो है ये फेंसिंग के इस आगे जो है, जो करीब 2 किलोमीटर आगे जो एरिया है कन्या मंदार, जहाँ पर घुसपैठ की घटना हुई थी। और इससे आगे जो है किसी भी सिविलियन को जाने नहीं दिया जा रहा, और आगे के इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चल रहा है, और सुरक्षा बल जो है खास करके सेना जो है वो पूरी इलाके को खंगाल रही है कि कहीं कोई और घुसपैठिया ना छुपा हो, क्योंकि माना ये जा रहा है कि 3 घुसपैठिए थे जिन्होंने इस पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी, और जो है उनको नाकाम बना दिया गया है, और जो घुसपैठिए 2 घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। और खबर ये भी आ रही है कि अभी जो है इस इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। मनीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, शाहपुर, पुंछ। आगे बढ़ते हैं। एक्स सर्विसमैन लीक लद्दाख रीजन की कयादत इसके सदर एजाजी कैप्टन सोन मोटप के साथ नोबरा लोलाक के ब्लॉक सदर और करगिल जिले के सदर ने आज लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने लद्दाख के एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा से मुलाकात की। एलजी को लेह और करगिल के साबिक फौजियों के मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। एलजी से ड्रुप सब डिवीजन में दिफाई पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिस डीपीडी को और खोलने के हवाले से मसाइल को उजागर किया। इसके अलावा वन रैंक वन पेंशन के मामले पर भी बातचीत की गई। मैडम, जो पेश किया था उसमें जो ECH लैंड कम्युनिटी हॉल फंड के बारे में, तो हमें उम्मीद करता हूं कि गवर्नर साहब इनको जल्दी से जल्दी उसको सैंक्शन करेंगे। नंबर दो, कल 3 तारीख को 3 अप्रैल को ऑल इंडिया में हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो वन रैंक वन पेंशन ORPG जिसको बोलता है, वो इक्वल जीसीयू जवान ऑफिसर्स को इंस्यू को बराबर नहीं था, इसलिए हमने मेमोरेंडम 3 तारीख को ADC साहब को पेश किया था। आज इसको रिमाइंड करने के लिए अब जो डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, दराज करगिल चंगतांग नुब्रा से आए हैं, इनको भी साबन को भी लेके मैंने DC साहब के पास गया था, तो DC साहब को आज OROP के बारे में डिटेल में बताया। साहब ने अभी हमें यकीन दिलाया कि ये जल्दी से जल्दी हम यहाँ से ले से भी लेटर लिखेंगे। लेटर पहले भी लिखा है, कल मंडे ट्यूजडे को फिर लिखने के लिए हमने बताया था। तो अगर ये OROP का इस टाइम अगर ठीक से हमें प्लानिंग नहीं हुआ या टेबल पर ठीक से सेट नहीं हुआ, तो आने वाले 21 तारीख को फिर ऑल इंडिया का जो भूतपूर्व सैनिक है उसी तरह जिन्होंने कर रहा है, तो उसी तरीके से हमारा भी फिर यहाँ पर DC साहब के पास ये मेमोरेंडम दोबारा फिर ले जाएंगे। बैनुल अक्वामी फिल्म साज टेंजन डोर्जे गया और इसके